जी आज बच्चों में नंबर एक पे आई है और दमा में भी 90% बच्चों में अंदर से एलर्जी होती है। और उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो ये डस्ट माइट्स बोल के धूल के कीटाणु अपने गद्दों में, सोफा में, पर्दों में लाखों होते हैं। और उनके अगर हम प्रॉपर अगर एलर्जी टेस्ट करते हैं, जो चमड़ी के ऊपर की जाती है, बहुत सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और फिर वो जो एलर्जन आएंगे उनके ऊपर एलर्जी वैक्सीन्स होते हैं। इवन कुछ बच्चों को जो फूड एलर्जी होती है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग्स, इनके भी एक्यूरेट प्रकार के, जो इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, वो एलर्जन हम चेक कर सकते हैं। पोलन्स जो आते हैं वो 130 किलोमीटर से उड़ के आ सकते हैं और वो अपने चमड़ी से भी ही पेनिट्रेट कर सकते हैं, आँखों से, नाक के अंदर से जा सकते हैं। कुत्ते बिल्ली के बाल जो है वो कम से कम 15-16 किलोमीटर किसी के कपड़ों पे जा सकते हैं। और अगर हम देखेंगे, ये वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कहा है कि जिनको सर्दी होती है उनमें से 95% लोगों को आँखों की एलर्जी होती है। तो इनको ढूंढ के अगर हम अच्छी तरह से अगर मैनेज कर सकते हैं तो काफ़ी फायदा होता है।